और ये देसी घोड़ है, देसी ये ठीक हो गया। ये कोई मिकदार होती है, मिकदार में लेनी पड़ती है। अच्छा थोड़ा अच्छा, अब आप इसको जो है वो ग्राइंड कर रहे हैं। सही काम है, आपको एक शिफ्ट से अंदाजा हो जाएगा कि जो मकदार इन्होंने डाली है और जो इन्होंने इसमें जिस तरह इन्होंने बनाया है मोहब्बत से, आपको पी के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये खालिश काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं गुजरा था ये कैरी शॉप के सामने सड़क से सिंहपुरा मंडी वाली साइड पर, तो यहाँ पर एक रेडियो में मिल गया, उस पर लिखा हुआ ससु, और ये गर्मी हो जिगर की मैदे की उसके लिए बड़ा मुफीद होता है ससु, गर्मी में बहुत लोग इसको पीते हैं। तो गुजरा था मैं, रेडी लगी थी, भजन से पूछा ये भाई हमारे ये बनाते हैं जी ससु जो है ना खालिश ससु, इनसे पूछा यार ये कैसे बनता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने कहा चले आपसे बस शेयर करते हैं। तो भजन कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार। मुख्तार जी जी, मुख्तार भाई ये अपना ये कब से कर रहे हैं आप? ये मैं तकरीबन अच्छा 10 साल से कर रहा हूँ, मैं बिहारी का रहती हूँ। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है और मैं अपने गांव से तैयार करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपने। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारा जो ये सामने आपको जाओ का खाले जाओ का तत्व है, ये खाली जो खाले जाओ का सत्व ठीक है। और ये देसी घोड़ है, देसी घोड़ हाँ, इधर वाला नहीं है ये, शक्कर इसको बोलते हैं, ये देसी है अलहमदुल्ला। और पानी जो है वो मिलने वाला है, पानी भी हाँ पानी भी मिलने वाला है। और अलहमदुल्ला ये मेरे पिए का हिसाब लगा दें कि कितना साफ सुथरा सफाई से काम कर रहा हूँ जी जी। और इंशाल्लाह जो भाई एक बार आएगा इंशाल्लाह बार बार सही हो गया। तो ये मुझे मुझे ये बता दें कि ये सत्व के क्या क्या फायदे हैं? इसका जो मैदे में गर्मी होती है ना उसके लिए ये बहुत मुफीद है। और ये जो दाने वगैरह निकलते हैं चेहरे पे चेहरे के जिगर पैदा ना करता हो, तो इंशाल्लाह इससे निहार होती है। अच्छा, इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत फायदा होगा। हाँ। अच्छा ये दो चीजों से बनता है और आप बना के दिखाएंगे? हाँ, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक हो गया, ये आप जो है ना ये देखिए मैं ये डाल रहा हूँ जी, ठीक हो गया। ये कोई मकदार होती है, मकदार में लेनी पड़ती है। अच्छा, तो ये कितनी मकदार हो तो कितने गिलास बन जाते हैं बता सकते हैं? हाँ, ये तकरीबन एक पाव सत्तू हो ना उसमें 4 गिलास बनते हैं। एक पाव सत्तू में 4 गिलास हाँ, 4 गिलास बनते हैं। और उसमें डेढ़ पाव जो है ना ये शक्कर डालनी पड़ती है क्योंकि ये फीका होता है, मीठा करना है, पानी को भी मीठा करना है। सही है हाँ, बर्फ को भी कवर करना है इसलिए मीठा थोड़ा ज्यादा डालना है। अच्छा अच्छा, अब आप इसको जो है वो ग्राइंड कर रहे हैं? हाँ, ये ग्राइंड। कितना के ग्राइंड करना है? ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट। 1.5 से 2 मिनट हाँ। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। इसको जितना फेंटेंगे ना, जितना ग्राइंड करेंगे उतना ज्यादा मजेदार। अच्छा, क्या डाल रहे हैं? बर्फ बर्फ डाल सही। तो आपके कस्टमर जो बने हैं वो आपके आपसे पीते हैं? हाँ जी सही। तकरीबन काफी लोग जो है ना वो मुझे पूछ के आते हैं कि भाई कहाँ करें। अच्छा अच्छा, सही है, यानी खालिश काम है आपका और मजा आता है उन्हें। सही तो
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिलावत करने वाला हम नहीं है। सुभान, क्या बात, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह बरकत डाले जी, आपकी सोच अच्छी है जी। मुख्तार भाई ने जो है ना ये हमें मना के दिया सत्तू, और बड़ा जबरदस्त शक्ल से तो लग रहा है जी, बहुत जबरदस्त लग रहा है शक्ल से, ये देखें कलर इसका बहुत जबरदस्त है और बिल्कुल खालिश लग रहा है ये जी। तो अब पी के आपको जो है ना बताते हैं ये कैसा है। खालिश काम है, आपको एक सिप से अंदाजा हो जाएगा कि जो मकदार इन्होंने डाली है और जो इन्होंने इसमें जिस तरह इन्होंने बनाया है मोहब्बत से, आपको पी के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये खालिस काम है, मोहब्बत से मोहब्बतों से बनाया गया जी। और इसका रेट भी मुनासिब है, 50 रुपए का एक गिलास देती है शक्कर और इसके जो है ना वो सत्तू डाल के। तो आप कभी इधर आए तो विजिट करें, मुख्तार का जो है ना वो है ब्याड़ी के, ये मशहूर है जी, ब्याड़ी के रिहायशी हैं, जिगर की गर्मी का तोड़ सिकंजवी सत्तू खालिस सत्तू ये जी, इस तरह की कुछ इनकी रेडी है मुख्तार भाई की। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं गुजर रहा था तो भाई का इखलाक अच्छा लगा तो मैंने जी ना खालिस लोग काम करने वाले हैं, गर्मी जैसे अब आगे बढ़ती जा रही है और आगे मजीद आगे गर्मी बढ़ेगी, तो आप ये रोड से गुजरे कैरी शॉप के सामने रोड सीधा सिंहपुरे जाता है, वहाँ ये गंदा नाला है, उससे थोड़ा सा पहले दरख्त के नीचे खड़े हुए अनवारे मदीना मदरसा है, उसके बिल्कुल सामने ही खड़े हुए। तो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।